राज भाई, इससे पहले गाना है भाई एक के को दिल मंगवैया हजार बार, कि उसका टू वर्जन कब देखने को मिलेगा? सिंगर जी हैं, उसका टू वर्जन आएगा, बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो ये बताइए, लप लप लहे का ये कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में, किस तरीके से है? आप हमेशा डांसिंग मूड में रहते हैं और ये डांसिंग वाला ही वीडियो है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके का है लप लप लहे, किस तरीके का जोन का है, ये बताइए जरा। सबसे पहले से ये वीडियो सॉन्ग आया है, जोर से बोलिए सर, और आप पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सॉन्ग त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड से आया हुआ है और हम लोग काफी मेहनत की है इसमें, और आप देख सकते हैं। और इस सॉन्ग के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दें, जैसे सॉन्ग हमारे पास आया तो सॉन्ग सुन के हमें लगा कि नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहिए और इस सॉन्ग को इंडस्ट्री में एक नया लुक देना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने सारी टीम बैठ के मीटिंग की, सर से बातें हुई, फिर हम लोगों ने सॉन्ग सुना, लगा कि हाँ इसको ऐसा शूट करना चाहिए। फिर देन हम लोग इसका सेटअप रेडी किए, उस तरफ लोकेशन पे गए और फिर काफ़ी मेहनत के बाद ये सॉन्ग शूट किया हम लोगों ने। जैसा वीडियो में दिख रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि गोवा का सीन है, बीच का सीन है, क्या गोवा में फिल्म आया गया है या फिर कहीं झारखंड वगैरह में शूट किया? जी नहीं, मैं आप सबको बता दूं, ये हमारा झारखंड है और हम लोगों ने सॉन्ग को झारखंड में शूट किया हुआ है और काफी बढ़िया जगह है वहाँ का। कितना टाइम लगा था? त्रिमूर्ति म्यूजिकल में आपका पहला प्रोजेक्ट है और राज जी आप दोनों से सवाल है, कैसा लग रहा है त्रिमूर्ति म्यूजिकल वर्ल्ड में काम करते हुए? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट तो शुरू से ही काफी हट के रहा है और गजब का रहा है, भोजपुरी में देखा जाए तो राज भाई है, माइकल जैक्सन है, भोजपुरी में प्रभु देवा है, आपके अभी तो कोई नहीं है और आपका जो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट होता है काफी अलग होता है, क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को लेकर? एक ही संदेश है, हम लोग जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सबसे पहला बात अच्छा मेहनत, और सबसे मेहनत जरूरी है भैया। मेहनत आप काफी कर रहे हैं, नो डाउट, गाना भी बहुत बेहतरीन लगते हैं, डांस का तो जवाब ही नहीं है, लेकिन इतना बड़े स्टार होके और टाइम पे नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे क्या कहना चाहिए? क्योंकि 12 बजे हम लोग को टाइम दिया गया है, अभी 3:30 से ज्यादा हो रहा है, मीडिया के लोग काफी ज्यादा आपका वेट किए हैं आज। आप इसी से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि अब एक बात बताइए यार, इतनी खूबसूरत जोड़ी बैठी है और सवाल आप तुम पूछ रहे हो यार इधर उधर के। मेरा सवाल रहेगा कि आपके लिए टाइम कितना महत्व रखता है? टाइम बहुत जरूरी होता है, टाइम से ही आते हैं, स्टार थोड़ा सा आगे पीछे होता है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम आपके लिए कितना महत्व रखता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइम, फिर हम लोगों की भी तो टाइम महत्वपूर्ण होगी इसके लिए, सॉरी सर। जब अगला स्टार का और सर कहीं कहीं कम्युनिकेशन नहीं करता, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने अंकित जी से बात हुई थी तो हमने कहे थे कि सर 1 बजे के बाद रखा जाए क्योंकि हम लोगों को पहुंच में टाइम लगेगा, उन्होंने कहा 12 बजे अरेंज कर लिया, ये नहीं बोला कि 12 बजे हम आपको बुला लिए, ऐसा अंकित जी से मेरी बात नहीं हुई थी। चलिए क्या कहेंगे सिंगर साहब का पता है, कुमार जी आप भी बताइए, स्टार तो नजर आ रहे हैं लेकिन सिंगर साहब कहाँ है, सिंगर साहब को क्यों छोड़ दिया आपने? सिंगर साहब की तबीयत खराब है। अच्छा, राज भाई थोड़ा सा गाना तो गुनगुनाएंगे, सबसे बढ़िया ब्रांड भइल चढ़ल जवनिया डिमांड भइल, लेके तोके देख के बोले का हो तोहरे के निहारेलू, रही रही सीटी मारेलू, चलेलू जब गोरी रहिया हो, आय हाय दाई बाई कमरिया करे, लप लह 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 लप लह लह लह। अच्छा राज भाई, लप लह 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 लप लह 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 का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? चलती है उनका कमर, लप लप करता है और वो लाहे लाहे लचक करती है ना। क्या लगता है कि राज भाई और इनका दोनों का रोमांस चल रहा है क्या? सर आप अपने आंखों से देख सकते हैं यार, चल रहा है, आप तो देखे हो। अच्छा राज भाई, एक और सवाल रहेगा, आज एक गाना में लग रहा है काफी मेहनत की है, कितना टाइम लगा और कैसे सोचे? गाने के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और
क्या क्या परेशानियाँ हुआ, क्योंकि दिखा जा रहा है कि काफ़ी बढ़िया फुटेज, ड्रोन शॉट, गिम्बल शॉट, तो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और कितना टाइम लगा इसमें? टाइम लगा इसमें 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन एक गाने की शूट करने में टाइम? जी जी। और किस तरह से कॉन्सेप्ट पे काम किया, गाना आपके पास गया तो क्या सोचे? और गाने के अनुसार हमने काम किया, जैसा हमको अच्छा लगा सदील चाहे। क्या लगता है कि त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से हमेशा आपका लगातार गाना आते रहेगा? एकदम आता ही रहेगा, हमेशा आता ही रहेगा। कुछ दिन नहीं दिखी थी खुशी जी आपके साथ, कुछ कारण होगा? कुछ क्या कारण आप बता दीजिए। बीमार हो गए थे इसके लिए नहीं दिखे। एक्चुअली आप जवाब नहीं दीजिए, मुझे थोड़ा घर से प्रॉब्लम हुआ था, बस यही सब चीज़ों को लेके, तो मैं थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए इंडस्ट्री क्विट कर रही थी, तो फिर मन नहीं माना, काम के बिना मन ही नहीं लग रहा था, फिर मैंने वापस ज्वाइन कर लिया। राज भाई पेमेंट अकाउंट पे नहीं दे रहे थे? नहीं नहीं, मुझे पेमेंट की कोई इशू नहीं है, बस काम तगड़ा होता है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या कहना चाहेंगे आप? राज भाई आपसे मेरा सवाल रहेगा, राज भाई ज्यादातर ज्यादातर गाने हम अपने सेटअप में शूट करना चाहते हैं, और बीच हो गया और नाइट का सेट ज्यादा रहता है हमारे गाने में। इस गाने में कहाँ कहाँ शूटिंग कराया आपने? ये गाना हमारे हजारीबाग जिले के कोनार डैम है, वहाँ पे शूट किए हम लोग। कुमार जी आपसे एक सवाल रहेगा, ये राज और खुशी जी की जोड़ी हमेशा पसंद किया जाता है, आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अब तक? मतलब पहला तो प्रोजेक्ट आ चुका है, और कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं, थोड़ा दर्शकों को क्लियर तो करिए। तो राज भाई से पूछ लीजिए, हमने राज भाई के, अरे फाइनेंसर आप हैं, आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे एक्टर तक। हमने तो राज भाई को बोले कि 1000 गाना मुझे दीजिए। अच्छा, एक महीने में नहीं, एक साल में दें, और इन्होंने कहा कि इतना पॉसिबल नहीं होगा, महीने का 1 से 2 गाना त्रिमूर्ति के लिए रह गया। अच्छा, तो मैंने तो 1000 गाना बोल दिया, सोचिए। अच्छा, राज के साथ हमेशा खुशी जी का स्टोरी समझ में आती है जी। क्या राज के साथ कोई केमिस्ट्री दूसरा लाने हीरोइन पसंद करवाइएगा, क्योंकि नई कंपनी एक्सपेरिमेंट को हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट में ये भी हो सकता है कि राज के साथ कोई और लड़की को सेट किया जाए, थोड़ा जोड़ी चल रही है सर, जोड़ी चल रही है, जोड़ी चलने दीजिए सर। अच्छा, चेंज नहीं होना चाहिए, यही जोड़ी बहुत पसंद है सर। सर कुमार सर आपसे एक सवाल रहेगा कि हमेशा आप एक से बढ़ के एक स्टारों को लाते हैं, अगले किसको लॉन्चिंग कर रहे अगले बार? मनी मिराज जी। क्या बात, मनी मिराज जी को कब तक देखने के लिए मिल जाएगा? समथिंग 20 या इस महीने के अंदर में कभी भी दिख सकते हैं, उनके तरफ डेट मिलेंगे। अच्छा राज भाई, इधर नागेंद्र उजाला भैया भी बैठे हुए हैं। भैया आपने गाना देखा है, किस तरीके का गाना आपको लग रहा है और आपको गाने से क्या उम्मीद है? सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम है, स्वागत है, बंदन अभिनंदन है। ये गाना बहुत अच्छा गाना है, और वीडियो में काफ़ी राज भाई ने मेहनत किया हुआ है, खुशी जी ने मेहनत किया हुआ है, पूरी इनकी टीम मेहनत की हुई है, तो मैं दिल से धन्यवाद इनको भी दे रहा हूँ। बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि हर वीडियो में काफ़ी मेहनत करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, और सदैव इनकी ये सोच रहती है कि हम कुछ बेहतर से बेहतर लाते रहें, और धन्यवाद दे रहे हैं कुमार आलम जी जो इस कंपनी के निर्माता है, इनकी ये सोच है कि इस कंपनी से सदैव बेहतर गीत आते रहें और सभी कलाकारों को इस कंपनी से जोड़ा जाए, और आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद ये हमेशा देते रहते हैं और स्वागत करते रहते हैं कि आप लोग जब भी त्रिमूर्ति के बैनर तले जो भी एल्बम्स आते हैं उसके लिए आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं। राज्य और खुशी जी लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने फैंस से जो आपको मोहब्बत देते हैं, और इस तरीके के गाने को लोग, आपने एक नया क्रिएशन जोन दिया है खास करके भोजपुरी ऑडियंस को, तो उन फैंस के लिए क्या कहिएगा, दोनों की प्यारी सी आवाज़? मैं फैंस के लिए क्या ही कहूँ, मुझे लगता है जहाँ तक सपोर्ट मिला है हमें और हमारा वर्क देखते हुए काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं और फैंस के डीएम्स भी आते हैं, तो मैं फैंस लोगों को कहना चाहूँगी आप लोगों को दिल से थैंक यू इतने सारे डीएम्स के लिए, और हमारे प्रोजेक्ट को आप लोग स्टोरी भी लगाते हैं और प्रमोट भी करते हैं, काफ़ी प्यार भी देते हैं, तो आप लोग के लिए प्यार ही है दिल से। राज भाई मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहा कि अगले बार राज भाई अपने टाइम पे पंचुअल रहेंगे या फिर से? अरे भाई बहुत हो गया राज भाई, राज भाई एक लास्ट सवाल, राज भाई शादी कब कर रहे हैं? ये बता दीजिए, पार्टी चाहिए पार्टी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि राज भाई शादी कब करें खुशी से, और किससे करेंगे? नाम हमारा राज है और कुछ चीजें राज ही होती हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। राज भाई गाना आया था एक्के को दिल मंगवैया 1000 बार, गाना आया, ऑडियंस ने उस गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया, ऑडियंस का पर्सनली डिमांड है कि उसका 2 वर्जन कब देखने को मिलेगा? सिंगर जी हैं, उसका 2 वर्जन आएगा और एक बहुत ही बेहतरीन आएगा इन्हीं की आवाज में, नगेंद्र जी की आवाज में, त्रिमूर्ति से आएगा, और काफी दमदार और डांस स्टाइल बिल्कुल एकदम अलग ही रहेगा उसमें। क्या बात, थैंक यू।